हिलाल अहमर पाकिस्तान और तुर्किया हिलाल अहमर के बाहमी इश्तराक से खून का अतिया करने की मुहिम मुहिम का अहतमाम पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में किया गया। इसका आवाज़ आने देते हैं, अक्सा सज्जाद हमारे साथ हैं। जी अक्सा, बिल्कुल, पाकिस्तान हिलाल अहमर और तुर्किया हिलाल अहमर के बाहमी इश्तराक से खून का आतके देने के हवाले से जो है मुहिम शुरू की गई है। यहाँ पर तुलबा तलबा समेत उसाज़ा ने भी कसीद दाद में हिस्सा लिया है। असलम भट्टी ने भी जो है खून का आतिया दिया, उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इस हवाले से क्या इस तरह के इकदाम होते रहने चाहिए, क्या लगता है? जी जी, मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा ब्लड दिया है और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। और बिल्कुल इस तरह के जो कैंप्स हैं वो लगते रहने चाहिए। हमने भी तुर्किया हिलाल अहमर और पाकिस्तान हिलाल अहमर के तावन से आज का जो ब्लड कैंप है ये हमने पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस रायमंड ब्रांच में मुनक्कद किया है, जहां बहुत से तलबा व तालबात हमारे वालदैन और हमारे स्टाफ ने यहां ब्लड डोनेट किए हैं। और ये ब्लड जो है ये जाएगा पाकिस्तान हिलाल अहमर को, और पाकिस्तान हिलाल अहमर जो थैलासीमिया के बच्चे हैं उनको डोनेट करेगा। तो ब्लड जो है इससे आपकी अपनी सेहत तो बेहतर होती है, लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरों की ज़िंदगी भी बचाते हैं। तो इस तरह के जो इकदाम हैं वो टाइम एंड अगेन होते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं ख़ासतौर पे थैलासीमिया के कि जिनको कंटिन्यूसली ब्लड की ज़रूरत है। और ब्लड देना जो है इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, कंटिन्यूसली जो है वो आपके हेल्थ के लिए ये बेहतर है। जो ब्लड है पाकिस्तान हिलाल अहमर की जानिब से जो है थैलेसीमिया के बच्चों को डोनेट किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर बहुत से थैलेसीमिया के जो शिकार बच्चे हैं उनकी मदद भी की जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तुर्की स्टाफ ने भी जो है काफ़ी कसीद तादाद में पाकिस्तानी भाइयों को ब्लड डोनेट किया है और ये कहा है कि अपने भाई पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। उस तरह के जो है इकदाम मज़ीद होते रहने चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया।